जानकारी आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो एसपी के सभी विधायक धरने में होंगे शामिल। तो विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से सख्ती यहां पर है। तो एसपी के कई विधायकों को नजरबंद भी किया गया है। तो सरकार के खिलाफ कई मुद्दों और मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो 19 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन यहां पर, जिसके चलते सियासी गर्मी को बढ़ाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गहमागहमी के जो आसार है वो यहां पर देखे जा रहे हैं। तो सदन के अंदर से पहले सदन के बाहर जो है वो माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद है, पुलिस किस तरह से मुस्तैद नजर आ रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो लखनऊ में आज से विधानसभा में एसपी विधायकों का ये धरना प्रदर्शन है, और उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक आज से विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एसपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो एसपी कार्यालय का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने। समाजवादी पार्टी ने आज से ऐलान कर रखा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने तक वो विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेगी। इसके पीछे वजह यह है कि जो महंगाई बेरोजगारी जैसे जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं, ताकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बाहर न निकल सके। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी जो है राजपाल कश्यप जी हैं, और आप लोग भी प्रदर्शन के लिए जाना चाहते हैं विधानसभा में, आखिर पुलिस रोक क्यों रही है? तो बहुत सामान्य सी बात है, विधानसभा में आप प्रदर्शन करने जा रहे थे। देखिए सत्ता के घमंड और जो अघोषित इमरजेंसी है, यहां बोलने की आजादी नहीं है। इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ना बोलो, बेरोजगारी के खिलाफ ना बोलो, और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ ना बोलो, और जो संविधान और आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ ना बोलो। देश लूट रहा, लूटने दो, महंगाई बढ़ रही, बढ़ने दो। सरकार डर गई, सरकार पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया, सबको, हमारे माननीय विधायक लोगों के यहाँ घरों पे पुलिस लगा दी, उनको नजरबंद किया जा रहा। हमारे कई पुलिस तो लगा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रुकेंगे क्या? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नाम ही है ना रुकना, सदैव आगे बढ़ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचेंगे, वहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ होगा, कानून व्यवस्था के खिलाफ होगा, इसके साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ होगा। लखनऊ से उड़ने सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने कि किस तरह से मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का सरकार के खिलाफ मोर्चा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाई है गई है और पुलिस की बहुत सारी बसें लगाई गई हैं, ताकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलें या विधायक बाहर निकलें तो उनको हिरासत में लिया जा सके। पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से बैरिकेड किया गया है, किस बैरिकेडिंग को क्रॉस न कर पाए कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, विधानसभा की तरफ न जा सके कोई समाजवादी पार्टी का नेता, इसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सरकार चाहती नहीं है कि जो विपक्ष है वो मुद्दों को सामने लाए। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा वो मीडिया से भी बात करेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना चाहेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस
पुलिसकर्मी मुस्तैद किए गए हैं इस वक्त, और बारिश इस वक्त अगर हो रही है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, किसी भी स्थिति में कोई भी विधायक समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर ना निकल सके। किला जैसा बना दिया गया है, जो पुलिस है मौजूदा स्थिति में वो इस तरह से दिखाई पड़ रही है जैसे एकदम अभेद किला बना दिया गया है। किसी भी स्थिति में कोई जो विधायक है समाजवादी पार्टी कार्यालय का वो बाहर ना निकल सके। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बैरिकेडिंग के बाद जो है वो पुलिस की बसें लगाई गई हैं, अगर किसी को हिरासत में लिया जाता तो इन्हीं बसों के माध्यम से उसे पुलिस लाइन भेजा जाएगा। वज्र के साथ ही तमाम जो वाहन है, सुरक्षा वाहन है पुलिस के, वो तैनात कर दिए गए हैं। तो ये पुलिसकर्मी जो तैनात हैं ये समाजवादी पार्टी के विधायकों को बाहर निकलने से रोकेंगे, कोशिश करेंगे किसी भी स्थिति में कोई विधायक ना निकल सके। इसके साथ ही विधानसभा के सामने भी बैरिकेडिंग की गई है, वहां भी थ्री लेयर सुरक्षा बनाई गई है। सुरक्षा के तहत जो है इस तरह का प्रयास किया गया है कि किसी भी स्थिति में जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर ना पहुंच पाए। तो जो तस्वीरें समाजवादी पार्टी और विधानसभा से आ रही है उस बात का संकेत दे रही है कि ये तय कर लिया गया है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर, वो वहां तक ना पहुंच पाए। विधानसभा का मैं जिक्र कर रहा था, थ्री लेयर सिक्योरिटी वहां भी लगाई गई है। पहली लेयर की सिक्योरिटी विधानसभा के बाहर है, यानी कोई भी विधानसभा के पास बिल्कुल निकल, कुछ विधायकों को भी नजरबंद किया गया है और यहां पर हम सुरक्षा मुस्तैद देख रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीति में बदलाव प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से? कृपया अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल निखिल, कुछ विधायकों को भी समाजवादी पार्टी के नजरबंद यहां पर किया गया है और आप दिखा रहे हैं कि सुरक्षा कवच पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है ये पूरा इलाका। तो क्या ये धरना स्थल बदलने की कोई रणनीति समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं जिनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये ऐलान बरकरार है कि वो विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ही जो है वो प्रदर्शन करेंगे, वहीं वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जबकि पुलिस और प्रशासन का यह कहना है कि धारा 144 लागू है, किसी तरह की कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनको विधानसभा पहुंचने नहीं दिया जाएगा। सुबह जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय की, उसको देखकर ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, बहुत सारे विधायक पार्टी कार्यालय के अंदर जो है पहुंच चुके हैं। तो ये निश्चित है कि अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि उनको किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद अपने बिल्कुल निखिल, क्या मौके पर कोई अधिकारी भी है वहां पर, प्रशासनिक अधिकारी से अगर आप बात कर पाए तो? क्योंकि एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है। तो बता दें कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी, तो किस तरह से इस चुनौती को पार करने की पुलिस पूरी स्ट्रैटेजी है, किस तरह की तैयारी? प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हो तो उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आपको किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। हालांकि अभी वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो प्रदर्शन है उसकी अनुमति नहीं है, धारा 144 लागू है, लिहाजा प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से सुरक्षा कवच तैयार कर दिया गया है और किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो इस बात के लिए तैनात है। सर, आज प्रोटेस्ट के लिए क्या रोका गया है? देखिए, चूंकि विधानसभा परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए का कार्यक्रम था विधायकों का, तो उनसे अनुरोध किया गया कि धरना प्रदर्शन का जो स्थल निर्धारित किया गया हाईकोर्ट द्वारा वो इको गार्डन है, वहीं पर जाकर धरना प्रदर्शन करें, जिससे कि यहाँ किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। उसी जो है निर्देश का पालन अनुपालन सुनिश्चित कराना हमारे लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन सड़क पर ना हो। वहाँ पर प्रतिमा के नजदीक विधानसभा परिसर के अंदर न हो बल्कि इको गार्डन में हो, वहाँ पर सबको सकुशल और सुरक्षित ले जाया जा सके, उसके लिए हमने यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है। और आप बिल्कुल देखिए, लौटेंगे आपके पास प्रतिक्रियाएं, आपको सुनवा पर आटे पर दाल पर चावल पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, विधायक कोटे का जो काम हो रहा है उस पर भी 18% जीएसटी लगा दिया है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है और हम महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास जाने जाते थे, लेकिन आज दमन से जुल्म से सारे विधायकों को जो हाउस अरेस्ट करने का काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपनी बात कहने का काम करेंगे। हम विपक्ष में हैं, उसकी भूमिका निभाने का काम करेंगे। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सरकार हमको
दुश्मन ऐसा व्यवहार करने का काम कर रही है, हमारी बात सुनने का काम नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, गलियां चौक है, सीवर लाइन चौक है, और जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। और जब तो देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको उठाया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और एक बार फिर से संवाददाता निखिल का हम सीधा रुख कर लेते हैं जो मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से मुस्तैदी निखिल यहां पर बढ़ती जा रही है और नजरबंद कुछ विधायकों को भी किया गया और साफ तौर पर चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, उनको उठाने की बात यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, सदन के अंदर भी मुद्दों को बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके के साथ उठाया जा सकता है। सदन के बाहर इस तरह की चीजें करके क्या करने की कोशिश? देखिए, एक बात बहुत साफ कर दिया है पुलिस ने कि जो सदन के अंदर है वहां पर किसी तरह के धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, किसी भी हाल में कोई वहां प्रदर्शन नहीं कर सकता। कोर्ट की बकायदा एक गाइडलाइन है कि जो प्रोटेस्ट होगा वो लखनऊ के इको गार्डन में होगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इको गार्डन में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो बकायदे इको गार्डन तक जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों को पहुंचाने के लिए भी तैयार है। उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से लखनऊ की सड़कों पर यातायात बाधित ना हो, जो विधानसभा की सुरक्षा उसमें किसी तरह का कोई समझौता ना हो, यानी जो विधानसभा वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना कि बाकायदे उन्होंने निवेदन किया था समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि किसी भी स्थिति में विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करने की स्थिति नहीं बन पाएगी, लिहाजा वो इको गार्डन जाएं। लेकिन उसके बाद भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा में ही जाना चाहते हैं। स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा निखिल, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो मौके से आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से पूरे विधानसभा परिसर को जो है वो यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन के भीतर जाने से पहले जो है बाहर सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फिर बिगड़ी आजम खां की तबियत। तो गंगाराम अस्पताल में आजम खां का इलाज जारी, डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में है आजम खां। तो गंगाराम में डॉक्टर्स ने जांच के बाद हार्ट अटैक बताया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार फिर से आजम खां की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद वो संसर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। तो सपा विधायक को दिल का दौरा पड़ा है जिससे उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई। तो बता दें कि रामपुर से दिल्ली लाकर सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनके को लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो जहां डॉक्टर ने आजम खान के हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी सर्जरी की है, तो उसके बाद उनके हार्ट अटैक में एक स्टंट भी यहां पर डाला गया। तो हार्ट अटैक के बाद उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उनको सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से बड़ी जानकारी, लगातार जो डॉक्टरों की टीम है वो अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, आईसीयू में भर्ती है आजम खां। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने जांच के बाद हार्ट अटैक बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो आजम हार्ट अटैक यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया। देखिए तस्वीर भी सामने आई है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो तब की ये तस्वीर है जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव, उनके सेहत का हालचाल जाना। और एक बार फिर से जो है आजम खान की तबियत बिगड़ी और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद रामपुर से